गाइस, वेलकम टू हाउसकीपिंग गुरुजी चैनल। आज जो टॉपिक लेके आया हूं, इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग नेचुरली कैसे डिसइंफेक्टेंट बना सकते हैं और हम लोग घर में यूज कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारा डिसइंफेक्टेंट आपको मिल जाएगा, लेकिन उसमें क्या केमिकल कंपोजिशन है, वो हमारे बॉडी के साथ सुइटेबल है या नहीं है, से हमारी बॉडी को क्या नुकसान होता है, वो हमें पता नहीं है। सो नेचुरली हम लोग डिसइंफेक्टेंट बना पाते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही अच्छा रहेगा। विनेगर हम लोग कुकिंग के लिए यूज करते हैं और वो बायोडिग्रेडेबल है और उसमें 95% वाटर है, 5% जो है वो एसिटिक एसिड है, 80% जर्म्स मारने में सक्षम है और इसको हम लोग नेचुरल डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज कर सकते हैं। विनेगर को हम लोग बहुत जगह पे उपयोग कर सकते हैं, यूज में ला सकते हैं, जैसे हम लोग अपना जो बर्तन है वो भी धो सकते हैं, जहाँ पे रस्ट का स्टेन है वो भी निकाल सकते हैं हम लोग, और इवन आपका ड्रेनेज लाइन वगैरह जो भी है वो साफ कर सकते हैं हम लोग। लास्ट टाइम जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोग को पता होगा, उस वीडियो में मैंने बताया था फ्रिज कैसे डिसइंफेक्टेंट करना है, कैसे क्लीन करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आपको एक ब्लिंक करके नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसको क्लिक कर सकते हैं। और उससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था नेचुरल हाउस क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के बारे में, उसमें भी मैंने विनेगर का फायदा बताया था, वो भी आपको ब्लिंक ऊपर मिल जाएगा, उसको भी आप क्लिक कर सकते हो। तो विनेगर के ये फायदे और नेचुरल डिसइंफेक्टेंट के लिए आप यूज कर सकते। हाइड्रोजन प्रीऑक्साइड या ऑक्सीजन ब्लीच बोलिए, आप मार्केट से ले सकते हो, जिसमें 3% कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। ये जो प्रोडक्ट है ये भी नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है, ये प्रोडक्ट बायोडिग्रेडेबल भी है और ये प्रोडक्ट भी आप बहुत सारे जगह पे यूज कर सकते हो। जैसे आप बच्चों का खिलौना जो है उसको क्लीन कर सकते हो हाइड्रोजन प्रीऑक्साइड या ऑक्सीजन ब्लीच से, और आपका जहाँ पे ऑयली सर्फेस है, जैसे आपका किचन का जो वैनिटी काउंटर है उसके ऊपर तेल वेल गिर जाता है तो वो भी आप साफ कर सकते हो। इवन स्टेनलेस स्टील के जो वॉश मशीन है उसके ऊपर भी पूरा ग्रीस जैसा लग जाता है, काला धब्बे पड़ जाता है, उसको आप निकालने को काम आ सकते हो। और ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है और यूज कीजिए और मुझे बताइए आप लोगों को रिजल्ट कैसा मिला बोल के। इवन अल्कोहल जो है वो भी एक स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट है, उसको भी आप यूज कर सकते हो। स्टार्टिंग से जब से कोविड का इश्यू आया तब से ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आइसोप्रोफाइल जो है वो बेहतरीन डिसइंफेक्टेंट है। इस प्रोडक्ट को मैक्सिमम यूटिलाइज कीजिए, नॉट ओनली आइसोप्रोफाइल, आप बाकी अल्कोहल भी यूज कर सकते हो। और आप लोग जब भी मार्केट से सैनिटाइजर वगैरह खरीदते हो तो उसमें जरूर देख लीजिए कि 70% अल्कोहल होना चाहिए, तभी वो आपका उपयोग में आएगा। नहीं तो अगर 70% से नीचे अल्कोहल का लेवल है तो वो सैनिटाइजर किसी काम का नहीं है। एसेंशियल ऑयल्स में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज रहता है और इसको डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज कर सकते हो। जैसे कि आपका बहुत सारे मार्केट में ऑयल्स अवेलेबल है, क्लोव ऑयल हो गया, लेवेंडर ऑयल हो गया, लेमन ग्रास ऑयल हो गया, आप डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज कर सकते हो। टी ट्री ऑयल, ये बहुत लड़की लोग जो भी एज पे है पिंपल्स के लिए यूज करता है, नॉट ओनली फॉर द पिंपल, इट कैन बी यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट। इसमें भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, एंटीवायरल प्रॉपर्टी है, एंटीफंगल प्रॉपर्टीज है, तो इसको भी आप डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज कर सकते हो। आज का वीडियो का टिप्स, क्लीनर और डिसइंफेक्टेंट में क्या डिफरेंस है। क्लीनर जो है वो क्लीन करता है और क्लीन मतलब ये नहीं कि डिसइंफेक्ट होता है। जो डिसइंफेक्टेंट है वो सिर्फ डिसइंफेक्ट करता है, वो क्लीन नहीं करता है। तो कंफ्यूज मत होइए, क्लीनर जो है वो क्लीन करता है और डस्ट रिमूव करता है, और डिसइंफेक्टेंट जो है वो जर्म्स को क्लीन करता है। घर में जब आप क्लीनिंग करते हो और डिसइंफेक्ट करते हो तो हमेशा याद रखना चाहिए क्लीनर को, क्लीनर जो प्रोडक्ट्स है उसको यूज करके आपको फर्स्ट क्लीनिंग करना चाहिए और क्लीनिंग होने के बाद आपको डिसइंफेक्ट करना चाहिए। इन आपके क्लीनिंग कंपनीज या हाउसकीपिंग कंपनीज आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिला है क्लीनिंग के लिए, डिसइंफेक्ट के लिए, तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। पहले आपको क्लीनिंग करना पड़ेगा, देन ओनली
डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा, और डिसइंफेक्ट के लिए जो भी केमिकल्स आज मैंने बताया इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। रेडीमेड मार्केट में प्रोडक्ट्स है बहुत सारे, बट रेडीमेड यूज करने से अच्छा कि अगर यही प्रोडक्ट्स आप यूटिलाइज करोगे तो आपका कॉस्ट भी बचेगा और आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। गाइस, आप लोग जब भी डिसइंफेक्ट कर रहे हो तो याद कीजिए कि डिसइंफेक्ट अप्लाई करने के बाद कम से कम 10 मिनट रहने दीजिए, और उसके बाद अगर आप मॉपिंग करना चाहो तो मॉपिंग कर सकते हो, आप अगर डस्टिंग करना चाहो तो डस्टिंग कर सकते हो। और 10 मिनट तक अगर आप नहीं रखोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो इफेक्टिवनेस नहीं आएगा और जर्म्स 100% नहीं मरेगा। और प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, एक घंटी आएगा आपके सामने, उस घंटी को दबा दीजिएगा सो दैट मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपके पास कुछ भी क्वेरीज है क्लीनिंग को लेके, डिसइंफेक्ट को लेके और कंपनी सेटअप को लेके, तो हमारा चैट का एक ग्रुप है टेलीग्राम में जिसको संजय हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट बोलते हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, और इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो कर सकते हो, ट्विटर में आप मुझे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पेज पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और मेरे पुराने वीडियोस का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सो दैट आप जाके देख सकते हो गाइज। और आप लोगों को मैंने बोल दिया कि सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आप लोग सोचोगे कि क्या फायदा, फायदा है, वो भी टॉपिक लेके आएंगे, उस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कारपेट का स्टेन कैसे निकालना है, फ्लोर का स्टेन कैसे निकालना है, किचन प्रॉपरली कैसे सेट करना है, बाथरूम कैसे हाइजीनिकली क्लीन करना है, तो बहुत सारे टॉपिक है। इस चैनल के साथ अगर आप लोग जुड़ोगे तो आप ही लोगों का फायदा है।